नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। बिहार में नगर निगम का चुनाव होने वाला है, इसको लेकर तमाम अपडेट्स भी सामने आ रहे हैं। इसी सिलसिले में एक बड़ी खबर निकल कर आई है, जहां पर ये बात सामने आई है कि जून में नगर निकाय का चुनाव हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि जून में आखिरकार चुनाव होगा कैसे? ये कैसे इसलिए क्योंकि अभी तक वोटर लिस्ट ही तैयार नहीं किया गया है। अगर इस तैयारी की बात करें तो बताया जा रहा है कि 23 जून तक वोटर लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो अगर 23 जून तक वोटर लिस्ट तैयार किया जाता है, फिर कैसे संभव है कि जून में नगर निकाय का चुनाव हो सके? आपको बताते चले कि राज्य की 258 नगर पालिकाओं में से 245 में जून में चुनाव कराने की तैयारी शुरू हो गई है। यानी कि नगर पालिका 258 में से 245 नगर पालिकाओं में जून में चुनाव कराने की बात कही जा रही है। इसमें पटना नगर निगम भी शामिल है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी को नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर वोटर लिस्ट बनाने का निर्देश दिया है। वोटर लिस्ट तैयार करने का कार्यक्रम भी घोषित कर दिया है। आयोग ने समस्तीपुर, नवादा और शिवहर जिले को छोड़कर सभी जिलों को वोटर लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। वोटर लिस्ट विधानसभा की मतदाता सूची के आधार पर ही बनेगी। वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 23 जून को होगा। आयोग ने कहा कि वर्तमान में 144 नगर पालिका, जिसमें से 70 पूर्ववत नगर पालिका तथा 74 वैसी नगर पालिकाओं जहाँ 21 मार्च को वार्ड का गठन पूर्ण हो चुका है, चुनाव कराए जाने के उद्देश्य से वोटर लिस्ट यहां पर तैयार की जानी है। 81 नगर पालिकाओं में 30 मई को वार्ड गठन का कार्य पूरा होने के बाद वोटर लिस्ट तैयार करने का कार्यक्रम अलग से घोषित किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने जून में चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखकर मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि अगर हम बात पटना नगर निगम की करें तो पटना नगर निगम, बाढ़ नगर परिषद, खगौल नगर परिषद, दानापुर नगर परिषद, नगर परिषद मोकामा, नगर परिषद फुलवारी शरीफ, नगर परिषद बख्तियारपुर, नगर परिषद फतुआ, बीठा, संपतचक और मुजफ्फरपुर की बात करें तो मीनापुर, माधोपुर और सकड़ा, और भागलपुर जिला की बात करें तो भागलपुर नगर निगम और कहलगांव, हबीबपुर और पंचायत सबौर, ये नगर पालिकाओं में यहाँ पर वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी। अब सवाल उठता है कि आखिरकार जून में चुनाव कैसे होगा? आपको बता दें कि राज्य निर्वाचन जो आयोग है, उन्हें जून में चुनाव को ध्यान में रखकर वोटर लिस्ट तैयार करने का निर्देश दिया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन जो है 23 जून को होना है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब 23 जून को वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन ही होगा, तो फिर जून में ही नगर निकाय का चुनाव कराना कहां तक संभव हो सकेगा? आपको बता दें कि बिहार में मेयर, डिप्टी मेयर, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद के पदों के लिए इस बार जनता सीधे वोट करेगी। अभी तक ये चुने हुए वार्ड पार्षदों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते थे। चूंकि पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन होना है, इसलिए इन पदों पर चुनाव से पहले आरक्षण का फॉर्मूला तय होना संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक जरूरी है। लेकिन अभी तक आरक्षण का आधार निर्धारण के लिए जरूरी विशेष आयोग का गठन भी नहीं हुआ है। इसलिए जून में अगर नगर निकाय चुनाव कराने की संभावना न के बराबर है। पिछले दिनों ऐसे ही मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण देने से पहले मध्य प्रदेश को विशेष आयोग बनाने को कहा था। इसके तहत चुनाव में आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट को आधार बनाने का निर्देश दिया था। इससे ये तय हो जाना है कि नगर पालिका चुनाव में किन जातियों को पिछड़े वर्ग के तहत आरक्षण के दायरे में रखा जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार 23 जून तक अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन किया जाएगा, आरक्षण के मुद्दे पे भी बात नहीं बनी है, अभी कोई समिति का गठन नहीं किया गया है, तो आखिरकार जून में नगर निकाय का चुनाव कराना कहां तक संभव है? तो ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग जो ये बातें कह रहा है कि जून में चुनाव कर लिया जाएगा, तो निगाहें अब उसी पर रहेंगी कि आखिरकार ये जो नगर निकाय का चुनाव है ये जून में हो पाता है, जो कि नामुमकिन सा लग रहा है, या फिर इसकी डेट और आगे बढ़ाई जाती है। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।